हेलो फ्रेंड्स, मांझी ब्रो किचन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला लच्छा पराठा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लच्छा पराठा बनाने के लिए हमने लिया है 2 कटोरी आटा, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ी सी कसूरी मेथी। मिला लेंगे सबको अच्छी तरह से और इसका आटा हम दूध से लगाएंगे। थोड़ा थोड़ा दूध डाल के अब हम इसे मिलाते हैं और इसका जैसे नॉर्मल आटा है उसे थोड़ा सा टाइट आटा लगा लेते हैं। आटा लग गया है, अब इसमें थोड़ा सा तेल डाल के थोड़ा सा और मसल देते हैं, चिकना कर देते हैं। अब इसे 5 से 10 मिनट तक सेट होने के लिए रख देते हैं। ये आटा लग के तैयार है, हम इसे थोड़ा सा और सेट कर लेते हैं। इसकी लोई तोड़ तोड़ के पराठे बेलते हैं। नॉर्मल रोटी से थोड़ी सी मोटी लोई लेनी है। मसाला लच्छा पराठा बनाने के लिए हमने लिया है 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला। अब इसे सभी मसालों को इस तरीके से मिला लेते हैं। ये मसाला बनके तैयार है, अब हम रोटी बेलते हैं। अब हम एक लोई लेके इसे बेल लेते हैं। ये हमने अच्छे से बड़ी रोटी बेल ली है, अब इस पर हल्का हल्का ऑयल लगाएंगे और जो मसाला बनाया था वो हल्का हल्का इस पर छिड़केंगे, सभी जगह फैला देंगे। हम इसे इस तरह से मोड़ लेते हैं, इसकी लेयर्स बना लेते हैं। इसे इस तरीके से मोड़ लेते हैं। अब इस पर थोड़ा सा आटा डाल के, ये थोड़े से कलौंजी के दाने डाल के और इसे इस तरीके से रख देते हैं और थोड़ा सा ऊपर आटा लगा के और इसे बेलते हैं। ये बेल के तैयार है, अब हम इसे सेकते हैं। तवा हमने अच्छे से गर्म कर लिया है, अब हम इसे जिस साइड में कलौंजी लगाए हैं उस साइड में इस तरीके से ऐसे डालते हैं और इसे सेक लेते हैं। एक साइड से हल्का हल्का सिकने के बाद में हम इसे पलट के इधर ऑयल लगा देते हैं और दूसरी तरफ से सेक लेते हैं। हम इसे पलट लेते हैं, एक साइड भी ऑयल लगा देते हैं और इसे अच्छे से दोनों साइड सेक लेते हैं। सारे लेयर्स अच्छे से एक एक खुल रहे हैं। लच्छा पराठा सिक के तैयार है, अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। मसाला लच्छा पराठा की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।